गोहाना की जलेबी की चर्चा देश विदेशों में हो रही है और इस जलेबी ने जिस प्रकार से जलेबी गोल है इसी प्रकार से हरियाणा की जनता ने भी बड़ा उठापटक करते हुए सब कुछ गोल गोल कर दिया है और हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा उठापटक के बाद बदलाव हो गया। हालांकि जिस प्रकार से एग्जिट पोल के नतीजे थे और चर्चा ये चल रही थी कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन जिस प्रकार से जलेबी गोल है उसी प्रकार से हरियाणा की जनता ने जो है एक पार्टी को गोल गोल घुमा दिया और उसके बाद ये जलेबी जो है वो सियासी जलेबी बन गई है, क्योंकि गोहाना में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और वहीं राहुल गांधी भी गोहाना पहुंचकर इस जलेबी की चर्चा कर रहे थे। राहुल गांधी ने तो ये भी कह दिया कि इस जलेबी को लेकर विदेशों तक पहुँचाया जाएगा और इसकी एक फैक्ट्री लगाई जाएगी। लेकिन यहाँ हमने लोगों से बातचीत करी, दुकानदार से बातचीत करी, तो दुकानदार ने भी ये कहा कि इसके लिए फैक्ट्री बना पाना मुनासिब नहीं है। हालांकि राहुल गांधी कुछ भी कर सकते हैं ऐसा उन्होंने ज़रूर कहा है, लेकिन स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि ये स्वाद जो है गजब का है और इसको खाने के बाद जो है अलग ही आनंद आता है। लेकिन इस बार जो है बधाई डबल हो गई है, एक तरफ तो किसान जो है खेतों से काम करके मंडी में जब आता है तो उसके बाद जलेबी का स्वाद चख रहा है, उसके बाद जो है सियासी स्वाद चख रहा है, क्योंकि इस जलेबी की मिठास ने कईयों का स्वाद बिगाड़ दिया है। और ऐसे में अब ये स्थिति है कि हरियाणा में एक बड़ा बदलाव हो गया है और बीजेपी पार्टी जिस प्रकार से अब अपनी हरियाणा में सरकार बना रही है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर अलग अलग समीकरण जरूर देखने को मिले हैं। लेकिन जनाब ये हरियाणा है, यहाँ पर जो होता है वो दिखाई नहीं देता और जो दिखाई देता है वो होता नहीं है, और ऐसा ही हरियाणा की जनता ने एक बार फिर करके दिखाया है। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए राम सिंह मार।